नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश की चंदौली पुलिस पर गैंगस्टर कन्हैया यादव की तलाश में दबिश के दौरान उसकी बेटी की पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। चंदौली की घटना आपके संज्ञान में होगी, 2 मई की घटना थी, अखबारों में भी छपा था, आपने पढ़ा भी होगा, आपको शायद पता भी होगा, नहीं पता है तो पूरी कहानी समझ लीजिए। बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो 2020 का है। तस्वीरों में दिख रहा यह घर कन्हैया यादव नाम के व्यक्ति का है। इस वायरल वीडियो में आप सुन सकते हैं कि इस घर से चिल्लाने की आवाज आ रही है, शायद कोई बीमार है जिसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा जा रहा है। इस वीडियो में एक लड़की घर से बाहर निकलती है, इसके बाद वह पुलिस वालों से झगड़ा करती है। झगड़ा करने के दौरान वह कहती है कि हम GST भरते हैं। दूसरे वायरल वीडियो में 2 लोग पेड़ से चढ़कर घर में अंदर घुसते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही वो लोग घर में घुसते हैं, पुलिस अपनी गाड़ी में बैठकर और कुछ पुलिसकर्मी पैदल ही वहां से चले जाते हैं। पुलिस के जाने के तरीके को देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस भाग रही है। वीडियो में आपको बालू रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। खबरों के अनुसार यह घर कन्हैया यादव नाम के व्यक्ति का है, उसकी छोटी सी बालू की दुकान है। उसका कहना है कि वह बालू का बिजनेस करता है, छोटी सी दुकान है और उसके पास GST भी है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वह 2020 का वीडियो है और उस समय पुलिस उसके घर पर आई थी और उससे खनन करने का लाइसेंस मांग रही थी। उसने पुलिस से कहा कि वह खनन नहीं करता है, उसकी तो छोटी सी बालू की दुकान है। इस दौरान खबरों के अनुसार कन्हैया यादव ने वहां के स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप भी लगाए। 2 साल बाद यानी 2022 में एक बार फिर खबर आती है कि कन्हैया यादव के घर पुलिस पहुंची है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। अब इस मामले को समझ लीजिए। चंदौली में एक गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर दबिश देने गई पुलिस टीम पर घर में मौजूद उसकी 2 बेटियों के साथ मारपीट और इस दौरान एक युवती की मौत के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना के बाद ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प और तोड़फोड़ की वारदात भी हुई, उसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित थाने के SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही SHO सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मृतिका का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। आपको बता दें कि मौत के बाद मृतिका का पोस्टमार्टम भी कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट सामने आ गई। खबरों के अनुसार मृतिका का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के त्रिस्तरीय पैनल और वीडियोग्राफी के माध्यम से संपादित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले के सामने वाले भाग में खरोच और बाएं जबड़े के नीचे 0.5 सेंटीमीटर का मामूली चोट होना पाया गया। देखिए, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, अब सब लागवत है, उसके अंदर 2 चीज़ें उसमें आई हैं कि एक तो गले पे खरोच आई है, जो छोटी सी खरोच है, उसके अलावा एक बाएं जबड़े के पास 0.5 सेंटीमीटर की छोटी सी चोट है, मामूली चोट, और जो पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ है वो अननोन रखा गया है। इसके अलावा कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी नहीं आई है किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर। बिस्तरा इसमें प्रिजर्व कर लिया गया है, बिस्तरा की रिपोर्ट के पश्चात ही इसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो सर्टन हो पाएगा। अभी कॉज ऑफ डेथ अननोन रखा गया है पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा, और इसमें पूरा जो पोस्टमार्टम है पैनल ऑफ डॉक्टर्स से करवाया गया और उसमें वीडियोग्राफी भी करवाई गई। सर, वायरल वीडियो में मृतिका के भाई के द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा रेप किया गया था मेरी बहन का, इस संबंध में क्या कहना है? जैसे मैंने आपको अवगत कराया कि 2 मामूली चोटों के अलावा जो एक गले पे खरोच है और एक 0.5 सेंटीमीटर की बाएं जबड़े की तरफ चोट है, इसके अलावा कोई भी चोट पूरी बॉडी में किसी भी अंग में, अंदरूनी अंग में, इंटरनल एवं एक्सटर्नल
नहीं पाई गई है, तब भी इस विषय के ऊपर हमने स्वैब ले लिया है और वो फोरेंसिक को भेज दिया गया है। जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी और जो मिश्रा की रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात ही इसमें चीजें क्लैरिफाई होंगी। चंदौली के सैयद राजा में कन्हैया यादव नामक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ गई थी। आरोप है कि दबिश के दौरान कन्हैया यादव की बेटी की मौत हो गई, लेकिन कन्हैया यादव है कौन इसको भी जानना जरूरी है। खबरें हैं कि चंदौली पुलिस के अनुसार कन्हैया यादव पर कुल 6 मुकदमे दर्ज है। साल 2013 में पहला मुकदमा अपशब्दों के इस्तेमाल यानी गाली गलौज के दौरान दर्ज हुआ। दूसरा मुकदमा साल 2014 में निरोधात्मक कार्रवाई के तौर पर 110G का दर्ज हुआ। ऐसा मुकदमा पुलिस अपनी तरफ से ही दर्ज कर लेती है। कन्हैया यादव पर तीसरा मुकदमा 4 साल बाद यानी 2018 में विद्युत अधिनियम में कटिया डालकर बिजली चोरी करने का लिखा गया। चौथा मुकदमा 2 साल बाद यानी 2020 में सरकारी कर्मचारियों से मारपीट, फसाद करने और गंभीर रूप से घायल करने को लेकर लिखा गया। पांचवा मुकदमा साल 2021 के पहले ही दिन पहला मुकदमा सैयद राजा थाने में गुंडा एक्ट का लिखा गया। छठा और आखिरी मुकदमा साल 2021 में ही घर में घुसकर मारपीट करने को लेकर लिखा गया। अगर बात कन्हैया यादव के बेटों की करें तो दीप नारायण यादव और विजय यादव उनके बेटे हैं। दोनों ही बेटों पर 3-3 मुकदमे दर्ज हैं। 2020 और 2021 के 2 मुकदमे ऐसे हैं जो कन्हैया यादव पर भी दर्ज हुए थे। साल 2020 का मुकदमा सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट और फसाद करने का है और 2021 में घर में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज है। दोनों ही बेटों पर तीसरा मुकदमा लिखा गया, वह एक ही दिन एक ही थाने में और एक साथ लिखा गया। कन्हैया यादव पर साल 2021 के पहले दिन यानी 1/21 क्राइम नंबर का मुकदमा गुंडा का लिखा गया, तो बेटे विजय यादव पर सैयद राजा थाने में ही 2/21 का लिखा और दूसरे बेटे दीप नारायण पर 3/21 का लिखा गया। यानी पिता कन्हैया यादव और दोनों बेटों विजय यादव और दीप नारायण पर गुंडा एक्ट एक साथ लिखा गया। यदि बात कन्हैया यादव की बेटियों की करें तो गुड़िया उस निशा यादव और गुंजन यादव नाम की बेटियां हैं। निशा यादव पर साल 2021 में उसी एक घटना में घर में घुसकर मारपीट का केस दर्ज है, जिसमें कन्हैया यादव, विजय यादव और दीप नारायण यादव नामजद हैं। यानी पिता और दोनों भाइयों के साथ बेटी गुड़िया उस निशा को भी नामजद किया गया था। वहीं दूसरी बेटी गुंजन यादव साल 2020 के उस केस में नामजद है जिसमें सरकारी कर्मचारी से मारपीट और फसाद का केस दर्ज हुआ था और जिसमें पिता कन्हैया यादव के साथ भाई विजय यादव और दीप नारायण यादव भी नामजद हुए थे। लेकिन अब पुलिस पर आरोप है कि दबिश के दौरान कन्हैया यादव की बेटी निशा की मौत हुई। क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था उस दिन, ये भी समझना जरूरी है। ये मामला चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव का है। खबरों के अनुसार सैयद राजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव के रहने वाले कन्हैया यादव नाम के गैंगस्टर और जिला बदर अपराधी के घर पुलिस रविवार की शाम दबिश देने गई थी। कोर्ट द्वारा कन्हैया यादव के खिलाफ NBW जारी हुआ था यानी नॉन वेरेबल वारंट और पुलिस उसकी तलाश में रविवार को शाम उसके घर पर दबिश देने गई थी। सैयद राजा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला का मृत्यु होना ताया जा रहा है। इसमें यह आगत कराना है कि एक कन्हैया यादव जो सैयद राजा में जिनके ऊपर गैंगस्टर है उनका NBW निकला हुआ था। पुलिस लगभग 4:30 बजे जो इंस्पेक्टर द्वारा ताया गया, उसकी जनरल आई GD की एंट्री भी है, पुलिस अपनी दबिश देने के लिए गई। इसमें महिला फोर्स भी थी और सब इंस्पेक्टर्स भी थे और उसका वीडियो भी है और पुलिस उनके घर पर गई जहाँ पर कन्हैया यादव नहीं मिले। उसके बाद पुलिस आगे चली गई और शाम के लगभग 6 बजे के आसपास ये वीडियो और ये अवगत कराया गया कि महिला की मृत्यु हो गई है। इसमें प्रथम दृष्टया एक जांच मेरे द्वारा उठाई गई है जिसमें एडिशनल SP सदर द्वारा ये जांच की जाएगी और अगर किसी भी पुलिस की लापरवाही आती है तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो महिला की मृत्यु हुई है वो घर के किसी कारण या सुसाइड के कारण हुई है। हालांकि तब भी हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे और इसमें उचित पुलिस बल मौके पर मौजूद है और शांति व्यवस्था को बनाया जा रहा है। उधर कन्हैया यादव और उनके परिजनों का आरोप है कि उस वक्त घर पर निशा और गुंजा नाम की 2 बहनें मौजूद थीं। आरोप है कि पुलिस ने दबिश के दौरान पूछताछ के नाम पर दोनों बहनों के साथ मारपीट की। इससे बचने के लिए बड़ी बहन निशा पहली मंजिल पर चली गई, उसके पीछे महिला और पुलिस कांस्टेबल भी गए, उसके साथ मारपीट की।
परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान निशा की मौत हो गई और पुलिस कर्मियों ने उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश किया और वहां से फरार हो गए। उधर इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, साथ ही मृत लड़की का वीडियो और उसकी बहन का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखते ही देखते घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कई नेता भी मौके पर पहुंच गए। उधर आक्रोशित ग्रामीणों ने सैयद राजा जमनिया नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस की मोटरसाइकिल को तोड़ दिया, साथ ही पुलिस पर हमला भी कर दिया जिससे एक पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें भी आईं। इस पूरे मामले में सैयद राजा के SHO को निलंबित कर दिया गया, लेकिन वह SHO है कौन, उनकी पूरी दास्तां क्या है, ये भी समझना जरूरी है। दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट निकली है, उस रिपोर्ट को भी हम पढ़ लेते हैं। चंदौली में पुलिस ने दबिश दिया था 1 मई को, उस दबिश में युवती की मौत हो गई, ऐसा आरोप लगा। इस मामले में निलंबित किए गए गैर इरादतन हत्या के आरोपी इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह अपनी करतूतों की वजह से पहले से ही सुर्खियों में है। जी हाँ, ये रिपोर्ट दैनिक भास्कर में लिखी गई। 2005 बैच के सब इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह को वाराणसी में तैनाती के दौरान सितंबर 2020 में तत्कालीन SSP अमित पाठक ने लाइन हाजिर कर दिया। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि वाराणसी में तैनाती के दौरान इंस्पेक्टर उदय की कार्यशैली को लेकर अक्सर सवाल उठते ही रहते थे और अभद्र तरीके से बातचीत के लिए भी वह चर्चित रहते थे। पुलिस लाइन में ड्यूटी करने के दौरान ही इंस्पेक्टर उदय का तबादला चंदौली जिले के लिए हो गया। खास बात यह रही कि इंस्पेक्टर उदय वाराणसी में तैनाती के दौरान पुलिस कर्मियों के सामने भाजपा के बड़े नेताओं से अपनी करीबी जब जाहिर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, यानी वो जाहिर करते थे कि भाजपा के बड़े नेताओं से उनका संपर्क है। खैर, संपर्क किसी का किसी से भी हो सकता है, लेकिन इस रिपोर्ट में आगे लिखा है कि वाराणसी से चंदौली ट्रांसफर होने के बाद इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह को बलुआ थाने के थानाध्यक्ष के पद पर तैनात किया गया था। बताया जाता है कि उन्होंने उस समय मुगलसराय थाने के थानाध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था और एक विधायक ने भी उनकी जबरदस्त पैरवी की, लेकिन बात नहीं बन पाई थी और अंततः उन्हें बलुआ थाने की कमान संभालनी पड़ी। इसके बाद सितंबर 2021 में इंस्पेक्टर उदय को सैयदराजा थाना प्रभारी के पद पर तैनात किया गया था। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धनाथ गांव के पंचायत भवन में शराब और बकरा पार्टी आयोजित करने वालों को सपा प्रत्याशी ने पकड़ा था। सूचना इंस्पेक्टर उदय को दी गई और वह आयोजक को थाने ले आया। आरोप है कि इसके बाद इंस्पेक्टर उदय ने कार्रवाई के बगैर ही आयोजक को थाने से छोड़ दिया। इसे लेकर जिले भर में पुलिस की खासी किरकिरी हुई थी। चुनाव के दौरान इंस्पेक्टर उदय पर इस तरह के कई आरोप सपा प्रत्याशी ने लगाए। रिपोर्ट में लिखा है कि सैयद राजा थाने में तैनात रहने के दौरान भी इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह की करीबी भाजपा के एक विधायक से जग जाहिर थी। चंदौली के पुलिस महकमे में कर्मचारी भी कहते थे कि विधायक जी के आशीर्वाद से ही इंस्पेक्टर उदय को सैयद राजा जैसा महत्वपूर्ण थाना संभालने के लिए मिला हुआ था। खैर, पुलिस विभाग में जो भी होंगे या पुलिस को जो नजदीक से जानते होंगे वह उत्तर प्रदेश के सैयद राजा थाना के महत्व को भी बखूबी समझते होंगे। शायद इसी वजह से विधायक जी की हर छोटी बड़ी बात का पालन इंस्पेक्टर उदय सरकारी आदेश की तरह करते थे और शायद रविवार की शाम भी इंस्पेक्टर उदय की लापरवाही की वजह से ही यह घटना घट गई या उनके अकड़ की वजह से यह घटना घट गई, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन घटना घटी और इंस्पेक्टर उदय को निलंबित कर दिया गया। केवल निलंबित ही नहीं किया गया, उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का आरोप भी लगा और मुकदमा भी दर्ज हुआ। खैर, कहा जा रहा है कि इंस्पेक्टर उदय जब रविवार को घटना घटी तो घटना की जानकारी होने के बाद भी वह समय से वहां नहीं पहुंचे। खैर, यह रिपोर्ट दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई है जो हमने आपको बताई। क्या आपके भी आसपास ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो आपकी बात नहीं सुनते या फरियादियों की बात नहीं सुनते या फरियादियों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही अत्याचार करते हैं या राह चलते अत्याचार करते हैं या जिन्हें देखकर आपको ये महसूस होता है कि आप एक स्वतंत्र भारत में नहीं एक तानाशाही का सामना कर रहे हैं और पुलिसकर्मी आपके ऊपर तानाशाही रवैया अपना रहे हैं? अगर ऐसा है तो उसकी सूचना किसी को देने की जरूरत नहीं है। सुधार अपने आप में करिए, क्योंकि जिस दिन आप सुधर जाएंगे उस दिन सत्ता, शासन और प्रशासन भी ठीक हो जाएगी
और सुचारू रूप से अपना काम करने लगेगी। चंद पुलिस कर्मियों की वजह से और चंद अधिकारियों की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम बदनाम हो जाता है। कुछ चंद पुलिसकर्मी पुलिस विभाग को बदनाम कर देते हैं तो कुछ चंद अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था को बदनाम कर देते हैं। आपको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे पुलिसकर्मियों का विरोध करना चाहिए ताकि ईमानदार पुलिसकर्मी और ईमानदार अधिकारी विभाग में रह सकें और हमारे समाज का भला कर सकें। उम्मीद है आप भी कानून और संविधान का सम्मान करेंगे और हिंसा का विरोध करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, सही का साथ देंगे। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।